एंट्री करते हैं, काफी सुंदर सा आपको व्यू नजर आता है यहाँ। ये तो बर्ड था, ये तो मैं देखा ही नहीं। मेनू में काफी कुछ है, ये देखिए वेज बिरयानी, आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं जंगल व्यू 2। तो एक्चुअली एक तो जंगल व्यू है जो कि चंदा का रास्ते में पड़ता है, लेकिन ये वाला जो है नया नया खुला है, उतना भी नया नहीं, मतलब हो चुका कुछ महीने हो चुका है। मैं काफ़ी दिनों पहले, ऑलमोस्ट शायद 6-7 महीने, 1 साल होने पर आया था पहले। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि जंगल व्यू 2 कैसा है और दिखने में कैसा। नाम में तो है जंगल व्यू, मतलब जंगली, मतलब जंगली लोग आते हैं ऐसा चीज़ें, तो मतलब जंगल जैसा डिज़ाइन किया गया सराउंडिंग में, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे। ओके तो चलिए चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये रहा गेट जहाँ पर एंट्री है, और इधर आप लोग बाइक वगैरह रख सकते हैं। हम लोग वहाँ पर बाइक रखे हैं, वहाँ पर हेलमेट अंदर है, मैं भी बस अंदर जा कर सर अब हेलमेट रख के बाहर आया हूँ। तो देख सकते हैं ये लिखा है ACA कंट्री साइड रेस्टोरेंट, और बारंग ब्रांच लिखा है, और एक ब्रांच है चंदका में जहाँ के, जैसे कि मैंने बताया आपको जंगल व्यू लिखा है, और इसके साइड में लिखा है आई लव जंगल व्यू। ये रहा यहाँ पर साइड में। ओके यहाँ पर अपना काफ़ी स्पेस है पार्किंग करने के लिए, पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ओके सामने कैमरा लगा है और ये रहा एंट्री। तो दोनों तरफ से नमस्ते, नमस्ते आपको भी और नमस्ते आपको भी दोनों हाथ से, क्योंकि मेरा एक हाथ बिजी है ज़रा। तो एंट्री करते हैं, काफ़ी सुंदर सा आपको व्यू नज़र आता है यहाँ पर। और ठीक राइट साइड में यहाँ पर राधे कृष्ण जी बैठे हैं, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये रहा, आप लोग घूम के भी अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि अभी आपको मैंने दिखाऊंगा अभी जाके अंदर। ठीक है तो चलते हैं, और एंट्री करते ही दोनों तरफ आपको ट्रीज प्लांटिंग वगैरह मिलेंगे। ओके और ये रहा कुछ प्लांट्स वगैरह यहाँ पर भी लगाए हैं, और लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है और ये रहा सामने आपको ये दिखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट साइड में उस तरफ भी है, और जिसको AC में बैठ के खाना है AC वाला है। ओके और मैं अभी आपको राधे कृष्ण वाला जो राइट साइड में था वो आपको दिखा के आ रहा हूँ। ओके ये रहा, तो इस तरफ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, और जाके पास में फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी भैया एक बैठे हुए हैं। ये रहा व्यू, ठीक है तो यहाँ पर राधे कृष्ण जी बैठे हैं। ओके तो हो गया, अभी लाइटिंग कुछ कुछ बंद है, वरना और भी यहाँ पर अच्छा दिखता है। कुछ कुछ लाइट्स को ऑफ किया गया क्योंकि अभी अभी, अरे वाह ये तो बर्ड था, ये तो मैं देखा ही नहीं, ये मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी क्लोज में कैमरे लगा हूँ, फिर भी ये लोग डर के जा नहीं रहे। ये एक तो वाइट कलर का ये एक तो बर्ड, ठीक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके तो फिर से चलते हैं, अब आपको सामने दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में क्या है। ओके तो ये रहा सामने फाउंटेन जैसा दिख रहा, लेकिन पानी फिलहाल नहीं गिर रहा क्योंकि अभी ऑन नहीं किए होंगे, क्योंकि लोग काफ़ी कम आए हैं यहाँ पर। और ये रहा व्यू, जो कि फ़ोटोशूट यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी देखे होंगे इंस्टा पे या फेसबुक पे। ओके तो यही हो प्लेस, यहाँ पर मैं ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया था पहले आया हुआ हूँ यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो भी डाला था इंस्टाग्राम पर इस प्लेस का। ठीक है देख सकते हैं कैसा प्लेस है, और सराउंडिंग काफ़ी अच्छा है। उधर वो जो नया है बना है, हम मैं जब आया था पिछली बार नहीं था वो, मैं जब पिछली बार आया था अपने दोस्त के साथ आया था, वहाँ पे बैठ कर हम लोग खाए थे, और बस फोटोग्राफी उस दिन हुआ था जो। और ये रहा उधर भी है, ठीक है। ओके गाइस आई होप आप लोग को सराउंडिंग अच्छा लगा, और भी उस साइड जो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, ये एक तो जो प्लेस है काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, यहाँ पर फोटोज़ काफ़ी लोग उठा के अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसलिए ये वाला प्लेस। अब चलते हैं ज़रा उस तरफ क्या है देखने के लिए। जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट साइड में आपको पड़ जाएगा AC रूम, वहाँ पर भैया भाभी बैठे हैं, हेलमेट रखा हुआ है, और हाथ धोने के लिए भी यहाँ पर बेसिन वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लेस है ये नया बना, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ डिज़ाइन वगैरह करके, हम लोग जब आए थे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बन रहा था, और अब ये बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग फिलहाल है, इसलिए मैं यहाँ पर खुल के ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, वरना इतना दिक्कत होती है ब्लॉगिंग करने में। तो देख सकते हैं सराउंडिंग के साथ, बस एक दो लोग बैठे हैं, मैं कोई बात नहीं। तो चारों तरफ सजा कर रखे हैं सब, फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं। देखिए नाम जो है जंगल व्यू, तो उस हिसाब से इसका यू नो सजाएं कि जंगल जैसा थोड़ा बहुत दिखे। और यहाँ पर मेनू कार्ड तो रखा गया ही, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मेनू में काफ़ी कुछ है। ये देखिए वेज बिरयानी, बैम्बो मटन, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। काफ़ी सारे आइटम्स हैं यहाँ पर, और ये रहा। ओके कितना सारा है, मतलब पेज ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके काफ़ी सारे आइटम हैं, ये रहा मेनू। ओके गाइस आई होप आप लोग को मेनू थोड़ा बहुत दिखा हुआ, तो आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस गाइस यही है व्यू जो भी आप लोग को देखने के लिए मिला है, इसी तरह उस साइड भी है, ठीक है। उस तरफ लोग भी बैठे हुए हैं एक दो लोग, और जैसे कि मैंने बताया था
कि टोटल यहाँ पर तीन प्लेस हैं, एक तो है ये वाला अंदर वाला और ये एक बाहर हट जैसे बनाया गया है उधर वो, और एक तो एसी रूम अंदर जो हम लोग बैठ के इसमें खाने वाले हैं। ठीक है, बस यही है गाइस। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा किस प्लेस के बारे में कैसा है। रहा बात टेस्ट का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ भैया अभी ऑर्डर किया खा के बताएंगे टेस्ट कैसा है। ऑलरेडी आप लोग को मतलब कितने सारे ब्लॉग आप लोग इस प्लेस का आप देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। ओके, मेन्यू तो आप लोग देखने काफ़ी सारे मेन्यू हैं, अब ज़रा टेस्ट आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। हालांकि दिन में आने से भी अच्छा, आप ऐसे समय में आओ ताकि 5-6 बजे के आसपास, ताकि दिन हो रहा होगा शाम हो रहा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे आपको दोनों जगह का आइडिया मिल जाएगा, अंधेरे का भी लाइटिंग का भी आप लोग व्यू देख पाएंगे और दिन में उजाले में भी आप लोग देख पाएंगे कि कैसे क्या दिख रहा है। ठीक है, हो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस तरह ब्लॉग के देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे और भी ट्रैवल ब्लॉग्स है। मेरा मेन मोटिव है ट्रैवल करने के लिए, आज तो मैं एक रेस्टोरेंट का रिव्यू दे दिया लेकिन मेरा मेन मोटिव यही है कि यू नो ट्रैवल करके ब्लॉग में, तो थोड़ा बहुत मैं आपको एसी रूम का जो अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। ये रहा एसी रूम, एसी रूम बस आज भी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय गाइस। तो वेट गाइस, अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, अभी एक और चीज़ आपको दिखाना है। सबसे पहले बता दो खाना तो अच्छा था, और चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जंगल व्यू का ही एक और पार्ट है जो कि बेकरी शॉप है, वो आपको दिखाना है। तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा देर रुके और वहाँ पर चाउमीन वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह खाए। ओके गाइस, यहाँ पर एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बैठिए, हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ खाएंगे, देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। ओके, यहाँ पर जंगल व्यू बेकरी नमकीन एंड स्वीट्स है, मतलब वो भी जंगल व्यू था, ये भी जंगल व्यू था, लेकिन यहाँ पर कुछ आइटम अलग मिलता है, जिस तरह यू नो बेकरी नमकीन और स्वीट्स वगैरह। कोई बात नहीं, नाम वही है बस, उन्हीं अलग का ब्रांच इधर भी है समझ लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, और ठीक उसके बाहर ही मतलब जंगल व्यू को बाहर निकलने पर ये वाला चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, देख सकते हैं बेकरी वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ देख सकते हैं, प्राइस वगैरह भी लिखा है, मतलब अच्छा खासा मतलब किए हैं। आप लोग आएंगे तो ऑब्वियसली विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। ठीक है, केक वगैरह मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ आइटम रखा गया है, और ये रहा कुछ कुछ आइटम, काफ़ी सारे, मतलब मुंह में पानी आ गया देख देख मतलब इतना सब आइटम है कि क्या ही बताऊँ। और ये क्या एक नया चीज़ रखा गया, वो मतलब यूनिक दिख रहा है, किसी का नाम पता तो कमेंट करो भाई लोग, हमको ज्ञान नहीं है सबके बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे आइटम है, और पूरा का पूरा मॉल आप लोग देख सकते हैं कि कैसा काफ़ी अच्छा मेंटेन किए हैं। हम यहाँ पर कैमरा पकड़ के खड़े हैं, भाई रोल लाने वाला है, साथ में चाउमीन, यस अब मज़ा आएगा खाने में। आ गया मेरा भाई यहाँ पर चाउमीन, और चाउमीन और रोल। ठीक है, पकड़िए, काफ़ी गर्मी, जल्दी पकड़िए, गर्म है, रखिए टेबल पर रख दीजिए। हाय गाइस, तो यहाँ पर रोल बहुत ऑसम लग रहा है, और चाउमीन टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या उसके साथ चाहिए। Yeah.
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. तो गाइस अभी तक आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो आई होप आप लोग का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो राइट साइड में आइकन आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय।